न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान को सुगम बनाने के लिए मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान पर्ची दी जा रही है। इस पर्ची को लेकर मतदाता सुगमता से मतदान कर सकते हैं। मतदान पर्ची के साथ साथ राज्य निर्वाचन ने 23 अन्य पहचान पत्र भी मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मान्य किए हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि सभी नगरीय निकायों में बीएलओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा नगरीय निकाय के कर्मचारी द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। मतदाताओं को 11 जुलाई तक मतदान पर्ची अवश्य प्राप्त हो जाएगी। सभी मतदाता अपने पर्ची का भलीभांति मनन कर लें। मतदाता सूची में मतदाता का नाम, आयु, मतदान केंद्र तथा मतदाता सूची का क्रमांक दर्ज है। पर्ची में दिए गए मतदान केंद्र में ही पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। लोकसभा तथा विधानसभा की तुलना में नगरीय निकाय चुनाव में अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसलिए कुछ मतदाताओं के मतदान केंद्र स्थल में परिवर्तन हो सकता है। मतदाता सूची में दिए गए मतदान केंद्र में पहुंचने पर मतदान करने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।